सुरैन को ब्रेन ट्यूमर है, वो भी लास्ट स्टेज पर, और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अरे यकीन करो नाजिया, इस बार मैं भी तुम्हें इसी नियत से लेके जा रहा हूँ। नियत तो दिल से होती है, तुम्हारे दिल में तो हुरैन बसी हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बाबा के कदमों में दफनाएं। लगता है मेरी दुआ कबूल हो। हर दुआ कबूल हो जाए ये मुमकिन नहीं। नेक लोग बेटा जल्दी चले जाते हैं दुनिया से। फिर तो अल्लाह मुझे कभी भी अपने पास जल्दी नहीं बुलाएगा अम्मी, क्योंकि हुरैन का सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। सुनहरा सोचा था जब तुम मुझे नानी बनने की खुशखबरी सुनाओगी तो मैं जश्न मनाऊंगी, पूरा मोहल्ला देखेगा। खुश तो मैं अब भी हूं, मगर हुरैन के जाने की खबर इस खुशी से बढ़कर नहीं है। मैं समझ सकती हूँ मम्मी, खजनी भाई पे इस वक्त क्या बीत रही होगी उसका अंदाजा है मुझे। नहीं सुमेरा, वजनी का दर्द उसकी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। उसका तो बस नहीं चल रहा कि हुरैन की जगह वो मौत को अपने गले लगा ले। आंटी, आंटी ये मामा क्या कह रही है कि हुरैन? हाँ, हुरैन मौत के धाने पर खड़ी। मतलब? मतलब ये कि हुरैन को ब्रेन ट्यूमर होगा। नहीं आंटी ऐसा नहीं हो सकता। नहीं आपको आपको हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो। काश बेटा ये गलत फहमी होती। क्योंकि उसकी झोली में हंसी की मौत बताएगी। मुझे क्या पता था कि वो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। चाहे वो उस दिन भी अपनी मर्जी से नहीं लाई गई बल्कि अपनी मोहब्बत तो आपकी नजर देखने के लिए आई थी। मुझे तो अपने इंसान होने पर शर्मिंदगी हो रही है। कितना गलत किया, मुझे सौ में समझ कर नहीं मेरा क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन तजरी जो उसने तो मत लगाए बहुत मदद किया मैंने उसके साथ, बहुत मदद बस। नाजिया बेटा खड़ी हो यहाँ। आजी आप मुझे ना मुझे गजनी के पास ले चले। मैं उस अपने किए की माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने बहुत बुरा किया उन दोनों के साथ। मुझे ले चले प्लीज, मुझे गजनी के पास जाना है। मुझे गजनी के पास जाना है। मैं उससे माफी मांगूंगी, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। ले जल्दी बेटा ले जाओ। जा बेटा मानी ले। मैं लेकर आती हूँ। बैठो इधर। गजनी कैसा है? कैसा है गजनी? बस बेटा चीरा है वो भी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा सबको नहीं परेशान कर सकती थी मैं। आज बाबू भाई के चाट खाने का बहुत दिल चाह रहा था, तुम्हारे लिए भी मंगवा दी। मिसबा जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन बाबू भाई के चाट का मजा तो वैसे का वैसे ही। तुम्हें याद है हम रोजाना स्कूल से आते हुए खाते थे ये चाय? अपनी जिंदगी का वो हसीन वक्त कैसे भूल सकते हैं? सच, स्कूल से आके सिफारा पढ़ना, बाहर गली में खेलना, गुड्डे गुड़िया की शादी कराना, सब कुछ कितना अच्छा था ना। सही कह रही हो, मगर उस वक्त हमें बड़े होने की बहुत जल्दी थी कि जल्दी से वक्त गुजरे और हम बड़े हो जाएं। अगर
मुझे ये सब वक्त से पहले पता चल जाता ना कि बड़े होके किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो मैं कभी भी बड़ी ना होती, अपनी सारी जिंदगी बचपन में ही गुजार देती। लेकिन अभी जाना तो पड़ता ना, एक ना एक दिन तो मौत आ ही जाती। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी में कितना वक्त? अभी थोड़ा वक्त है। तो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, उसे वक्त भी बाहर दुकानों पे मिलता, पर हम जाके ना उसे खरीद सकते हैं। तो फिर मैं भी थोड़ा बहुत वक्त खरीद लेती। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें शादी का तोहफा क्या चाहिए? कुछ नहीं। ये बताओ ना, मैं तुम्हारी शादी तक इस दुनिया में ही ना हूँ, जाने से पहले तुम्हें शादी का तोहफा देना चाहूँ। रैन ऐसी बातें ना करो, चलो मुझसे वादा करो, जो मैं मांगूंगी मुझे दोगी ना? अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बोलो ना। अभी नहीं, वक्त आने पे बताऊंगी। अच्छा बता दो। चाट मंगवा लो। बस आती हूँ उठने पे। मैं जानती हूँ गजनी, मैंने आपको हूर से छीनने की जो गलती की है, मैंने ब्लैकमेलिंग की, हूर पर इतने घटिया इल्जामात लगाए, उसे बहुत बुरा भला कहा, उसके बाद ना तो आप मेरी कोई माफी एक्सेप्ट करेंगे और ना ही मेरे आंसुओं पर यकीन करेंगे। लेकिन कजनी, मैं तुम दोनों से अपने हर उस किए की माफी मांगती हूँ जो मेरी वजह से तुम दोनों को तकलीफ हुई हो, अजियत पहुंची हो। मुझे माफ कर दो कजनी, वाकई में बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि जबरदस्ती किसी को हासिल नहीं किया जा सकता। हसनी तो हमेशा से उरैन का था और मरते दम तक रहेगा। मैंने हमेशा उसे साजिश और धोखे से हासिल करने की कोशिश की। तेरी गलत फहमी थी, मैंने अपना सारा टाइम तुम्हें छीनने में लगाया। मैंने आपसे इतनी मोहब्बत नहीं की जितना मैंने ये सोचने में गुजारा कि उरैन को आपसे कैसे छीना जाए। मैंने समझने में बहुत वक्त जाया कर दिया, मोहब्बत लड़कर नहीं, छीन कर नहीं, जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। बल्कि मोहब्बत तो खुद मुंतखब करती है कि किसके दिल में बसेरा किया जाए और किसके नहीं। आजिया, अगर तुम इतना सब कुछ जानती हो और इस हकीकत से वाकिफ हो तो ये जान लो, तुम्हारे इस एतराज के बदले में तुम्हें अपना तो सकता हूँ, इस घर में जगह दे सकता हूँ, और अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। अगर ये सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम्हें कोई एतराज नहीं है मेरे साथ रहने के लिए तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। क्या हुआ अम्मी, क्या आप खैर तो, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? वो बाहर फयाज आया है। फयाज? वो क्यों आया? तुमसे मिलने। उससे मिलने क्यों आया? वो कह रहा है कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। चलो मैं जरा देखिए।
गजनी मैंने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी की किसी मोड़ पर आकर तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। बहरहाल जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हो गई, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अब इन सब बातों का क्या फायदा फयाज? मैं चाहता हूँ गजनी के तुम हुरैन से शादी कर लो। क्या? मैंने हुरैन की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। मैं चाहता हूँ उसकी जितनी जिंदगी बची है वो गजनी की बीवी बन के इस घर में गुजारे। इससे जो दिल पे मेरे बोझ वो हल्का होगा, सुकून मिलेगा मुझे। हाँ, और इस तरह गजनी रहन की तुमसे शादी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अम्मी, ये क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ। पहले मैं तुम दोनों की मोहब्बत के आड़े आई थी, मगर तुम दोनों की शादी करवा के इस मोहब्बत को पाए तक मील तक पहुंचाना चाहती हूँ। रहन कभी भी नहीं मानेगी। मान जाएगी। गजनी तुम उससे बात करो, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। देर से सही, लेकिन उसे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। फयाज ठीक कह रहा है, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी। चलो दोनों चलकर उसको मनाते हैं। अरे क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? खाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? हेल्प करूं? जिस माँ के बच्चे का नाम पैदा होने से पहले ही जाविया रख दिया जाए तो वो माँ परेशान ही होगी, तो और क्या होगा? अच्छा, तो तुम इसलिए परेशान थी? प्लीज एहसन, जाविया नाम बहुत ओल्ड फैशन है, बिल्कुल एहसन की तरह। अच्छा, तो तुम्हें मेरा नाम ओल्ड फैशन लगने लगा। प्लीज एहसन, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका नाम ना बहुत ओल्ड फैशन है, बिल्कुल सूट नहीं करता आपके चेहरे पे। सुमहरा जैसे बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। क्या है? वैसे तुम्हारा नाम भी इतना कोई खास नहीं है, सुमहरा। अच्छा ना, ये सारी बातें छोड़ें, लेकिन प्लीज जाविया नहीं, कुछ और नाम सोचे ना। देखो भाई, मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि मैं अपने बच्चे का नाम जाविया ही रखूंगा। आप बचपन में ये सब सोचा करते थे? हाँ। लेकिन जाविया ही क्यों? क्योंकि जाविया मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम था और मुझे बहुत पसंद था वो। जाविया नाम में प्रॉब्लम क्या है? आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही? कितना रोबदार और जलाली नाम है जाविया। नहीं भाई नहीं, मेरा बेटा इतना छोटा सा मुन्ना सा होगा, मैं उसका इतना बड़ा नाम नहीं रखूंगी जाविया। वैसे तुम्हें कैसे पता कि हमारा बेटा ही होगा? बेटी भी तो हो सकती है। अम्मी कहती है जो अपने शौहर से बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, उस लड़की के यहाँ बेटा ही पैदा होता है। और जिनकी शौहर अपनी बीवी से ज्यादा प्यार करते हैं उनके यहाँ? उनके यहाँ बेटी पैदा होती है। और तुम्हें ये गलतफहमी है कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हो। जी बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और अब तो हमारी बेटी होगी, देख लेना। और अगर बेटी हुई तो उसका नाम भी जाविया रखेंगे? नहीं, उसका नाम तो मैं कायनात रखूंगा। कायनात? कायनात क्यों? मेरे ऑफिस में काम है। और उसका नाम भी आपको अच्छा लगता है? वो अच्छी लगती है। ऐसा क्यों? खाने पे ध्यान दो। अभी तो मेरा ध्यान कहीं और ही है। वैसे जाविया, अच्छा किया जो मैंने तुम्हें तलाक दे दी। तुम्हारी जात से आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची, तो क्यों तुम्हें अपने साथ बांध के रखूं? क्यों अजियत दूं तुम्हें? जानता हूं आज तुम्हें मुझसे बहुत नफरत हो रही होगी, लेकिन अल्लाह जानता है मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए। आज जब बात हो ही रही है तो मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ फयाज। तो मैंने ऐसी कौन सी बेवफाई की थी जो आप मुझे यूं मुस्तकिल सजा देते रहे? वफादार रही हमेशा, इसलिए इनाम के तौर पर हम लोगों ने ये फैसला किया है कि
तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत लौटा दी। हाँ हुरैन, हम सब चाहते हैं कि तुम वज़नी से शादी कर लो। क्या बात है, एक ने मोहब्बत का सिला सारी दुनिया में रुसवा करके दिया। और दूसरे ने वफा के नाम पे तमाशा बना के रख दिया। तुम दोनों की नजरों में मैं एक खिलौना हूँ। एक का दिल भर गया तो उसने जिंदगी से बाहर उठा के दिया। और जब दूसरे का दिल भर गया तो उसने पहले से कहा कि अगर इस खिलौने की चाह नहीं भी है तो भी रख लो। तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, मुझे बाजार में जाके बेच क्यों नहीं देते? कम से कम चंद पैसे तो हाथ में आएंगे। मेरे मुंह से ये अल्फाज सुन के गैरत आ रही। जरा अपने गिरेबान में तो झांक के देखो, तुम लोगों ने मुझे बाजारी बना के रख दिया है। फ्रेंड प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक वर्ड को छोड़ के दूसरे के पास और दूसरे को छोड़ के फिर से पहले वाले के पास जाने वाली औरत को सोसाइटी में क्या कहा जाता है, तुम लोग तो बाखूबी जानते होगे ना। बस कर दो रैन, बस, खुदा का वास्ता है, बस कर दो। जो कुछ भी किया, इस जुदाई की जिम्मेदारी में बर्दाश्त कर करके तो मेरी रूह नहीं बल्कि मेरे जिस्म में बीमारी हो रही है। मैं इस बोझ को और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने जिस्म। प्लीज बस कर जाओ। फिकर मत कर, अब हुरैन किसी की तकलीफ का बायस नहीं बनेगा और ना ही किसी के हाथ की कठपुतली। और अब ये कहानी इसी चार दीवारी में खत्म होगी। नहीं हुरैन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मेरी शादी का तोहफा दोगे, कि तुम मेरी शादी का तोहफा मुझे और तुमसे शादी करके दोगे। नहीं मिसबा, तुमने मेरी औकात से ज्यादा महंगी चीज मांगी। शाज़िब जी बोलिए। मेरा भाई, जब तक तू यहां था मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं, मेरा जो था वो तू थी। बिना कुछ कहे मैं तेरे दिल का हाल जान लेता था, तेरा दर्द पहचान लेता था। सब याद है मुझे भाई, जब मैं छोटा था तो मोहल्ले के सारे बच्चों को मार कर आता था, लेकिन मजाल है कि कोई मुझ पर आंख उठाकर देखता, क्योंकि आप मेरे साथ थे भाई। जब से तू गया सब कुछ बदल गया था यार, एहसास ही खत्म हो गया था, बेहोश हो गया था मैं। यूं लगता है जैसे उलझे रिश्तों की भीड़ में वो एहसास कहीं खो गया है जिसने हमें एक दूसरे से जोड़े रखा था। तू फिक्र ना कर, हम दोनों मिलकर वो एहसास ढूंढ लेंगे। अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, दोनों मिलकर यहाँ काम करेंगे और माँ की खिदमत करेंगे। मैं यहाँ क्यों, तू यहाँ नहीं रुक सकता। अब यहाँ सब कुछ बदल चुका है भाई, इतना बदल चुका है कि हर एक चीज बहुत हैरान करती है मुझे। वक्त, हालात, जिंदगी सब बदल सकते हैं मगर रिश्ते नहीं बदलते, और हमारा रिश्ता तो बिल्कुल नहीं बदल सकता। ये रिश्ता खून का नहीं, एहसास का भी। पता है भाई, अब्बा के जाने के बाद हमेशा आपके चेहरे में उनका चेहरा मुझे दिखता है। लोग कहते हैं फयाज बेहिस है, चोट लगने पर रोता नहीं, रोते हुए इनका दर्द बांटने वाला कोई नहीं होता। मेरा है ना मेरा भाई जो मेरा दर्द समझता है,
मुझे समझता है, मेरे एहसास को समझता है। और आप इस कड़ी धूप में घना साया है मेरा भाई, ये साया हमेशा बरकरार रखना। क्या हुआ अम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो जी। अम्मी बोलें, क्या बात? तुम्हें मालूम है ना कि हुरैन की इद्दत कल पूरी हो चुकी है। जी। तो कल मैं साइमा और जुहेर के पास जा रही हूँ। किस लिए? तुम्हारे और हुरैन के निकाह की बात करने। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है इस निकाह से? नहीं, बात एतराज की नहीं, बात हुरैन की खुशी की है। वैसे भी आपको लगता है कि मैं कभी भी हुरैन को खुश रख पाऊंगा? मैंने आज तक कभी हुरैन को खुशी नहीं दी, हमेशा उसे तकलीफ, रसवाई, पता नहीं किस किस चीज का सामना करना पड़ा। लोगों का आगे ख्वार हुई, दरपदर हुई, उसका बड़ा बड़ा गुनाहगार हूं। हाँ जानती हूँ, मगर फिर भी। अच्छा, जानते हुए भी फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ? नहीं गजी, बल्कि इसलिए कि हुरैन को अभी भी तुमसे बहुत से शिकवे हैं। नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। हम शिकवे उनसे करते हैं जिनसे कोई उम्मीद हो, और उससे आज भी तुमसे शिकवे हैं कि तुमने उसे बहुत तकलीफ दी, बहुत परेशान किया, मगर फिर भी खुशियों की उम्मीद तुमसे और सिर्फ तुमसे। मगर नाजिया, तुम्हारा और नाजिया का साथ तो जिंदगी भर का है, मगर हुरैन के पास तो जिंदगी ही नहीं। मुझे पहले अगर पता होता ना चाहे हुरैन के पास जिंदगी नहीं तो अपनी अपनी आखिरी सांस तक उसे दे देता। जो आपके इख्तियार में नहीं उसमें परेशान होने के बजाय हम वो करें जो हमारे इख्तियार में। नहीं, आप क्यों कंफ्यूज कर रही हैं? मैं आपकी बात नहीं समझा। आप मैं साइमा और जुहेर से बात करूंगी, मुझे पता है कि वो हुरैन से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ कि हुरैन का फैसला तुम्हारे खिलाफ होगा, मगर मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम उसके पास जाओ और उसे मनाओ। अम्मी, फैसले का अख्तियार तो सिर्फ हुरैन के पास है, मगर मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। मजबूर करने का नहीं कह रही बेटा, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपनी मोहब्बत साबित करने का मौका मांगो। मगर अम्मी, अगर मोहब्बत पर यकीन होना तो अगर मगर मैं उलझ कर यकीन को कमजोर नहीं करना चाहिए। अब जाओ और उसे मनाओ। सलाम, मैं जाता हूँ, अपना ख्याल रखना। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप इस दुनिया में नहीं रहे, मगर बाबा यकीन करें कोई एक लम्हा ऐसा नहीं था कि जब आपके हूर को आपकी याद ना आए। क्यों ना करते, आपके सिवा कोई था भी तो नहीं जो बिना कहे मेरा हाल जान लेता। उसके सीने से लग के मैं खुद को महसूस समझ सकती हूँ, हमदर्दी सब पर, और दर्द आशना कोई नहीं। इसलिए बस आपकी हुरैन बहुत अकेली हो गई है। पता है बाबा, पहले मुझे मरने से बहुत डर लगता, इसलिए नहीं कि मैं मौत से डरती थी, बल्कि इसलिए कि गजनी मेरे बगैर कैसे रहेगा। मगर मेरी ये खुशफहमी दूर हो गई है, अब यकीन है कि वो मेरे बगैर जी सकता है। अब बस उस घड़ी का इंतजार है जब मैं आपसे आके मिलूंगा, मुझे सुकून नसीब होगा।
अंकल आप तो कहते थे कि आपकी बेटी को लोगों को परखना आता, ये कैसी परख है? क्या आपकी बेटी को जीते जागते इंसान में और चलती फिरती जिंदा लाशों में कोई फर्क ही मालूम नहीं? न जाने क्यों लोग खुशी के मायने को मुस्कुराहट और दर्द का सबूत आंसुओं को समझते। दूसरों को तकलीफ देने वाला उसे तकलीफ का रोना रोते हुए अच्छा नहीं लगता। मैंने जो तुम्हें दर्द दिया उसकी सजा खुद को दी, यहां तक कि अपनी जिंदगी को ही मैंने अपने लिए सजा बनाई। खुद पर हर खुशी, यहां तक कि मुस्कुराना भी हराम कर दिया। अगर तुमने ये सब सहा है तो मुझ पर एहसान मत करो, तुम ये सब डिजर्व करते हो। एक गलती तो सबकी माफ होती है हुरैन। अच्छा हुरैन, मुझे माफ कर। कभी नहीं। हुरैन मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें तकलीफें दी, मेरी वजह से तुमने दर दर की ठोकरें खाई, प्लीज मुझे माफ कर। मैं तुम्हें मरते दम तक माफ नहीं कर सकती। प्लीज, मैं तुम्हारा गुनाहगार, तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा। हुरैन निकाह के लिए राजी हुए। मुबारक हो। मगर उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? हुरैन ये निकाह तुम्हारी रजामंदी के बगैर नहीं करेगी। उसे मेरी रजामंदी चाहिए और आपको नहीं। तुम्हें शायद ये सुनकर बुरा लगे मगर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे हुरैन से शादी करने के लिए किसी की भी रजामंदी की जरूरत नहीं। मैं हमेशा से हुरैन को पसंद करता था, उसे मोहब्बत करता था। शादी भी उसी से। मेरा दिल रखने के लिए कह देते कि नाजे जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी कबूले नहीं कहूंगा। नाजे मुझे माफ कर दे। आप माफी मत मांगे। लेकिन क्यों? क्योंकि बार बार ये दिखावा करना आसान नहीं होता कि आपके लफ्जों से और आपकी बातों से मुझे तकलीफ नहीं हो रही। अगर वाकई हुरैन को मेरी रजामंदी चाहिए तो मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? इस निकाह में शामिल नहीं होंगी। ठीक है, मुझे कबूल है।
तुम लाख दलीलें दे दो, हजार बातें बना लो, मगर यह सच नहीं बदल जाएगा कि एक बार गजनी ने फिर तुम्हें ठुकरा कर हुरीन को अपनाया। गजनी, जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने किसी के साथ ज्यादती कर दी हो, किसी से कुछ छीन लिया हो। हुरैन और गजनी का मिलना तो किस्मत में लिखा था, हम उसे कैसे बदल सकते थे। भाई का तो बस नहीं चल रहा था कि अपने और हुरैन के एक होने की खुशी की खबर सबको सुना दें। नाच नाच के पागल ही हो रहे थे वो तो। जब तक वहाँ हो रहा है तुम वहाँ मत जाओ, गजनी और हुरैन को साथ देखोगी तो बेटा तुम्हें तकलीफ होगी।